हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस क्या होता है? यू नो, किसी प्लेन फिगर पर, किसी प्लेन पर कोई लाइन ड्रॉ है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन, दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस। ये एल, ये एम, दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस। एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंगल है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन। ठीक है, अब लाइन भी काफी होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसमें रे आती है। एंड सेकंड, एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? जहां एंगल्स शो करे, जैसे लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स? आई एम राइटिंग फर्स्ट अक्यूट एंगल, सेकेंड ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड राइट एंगल, फोर्थ स्ट्रेट एंगल एंड लास्ट अक्यूट ऑब्ट्यूस राइट स्ट्रेट। अक्यूट क्या होता है? जो 90 डिग्री लेस देन होता है, मतलब कि 90 डिग्री से जो लेस देन है, जैसे कि 80, 70, 65, 70, दिस इज कॉल्ड अ अक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस जो 90 डिग्री से मोर देन होता है। एंड यू नो, आप भी जानते होंगे, पढ़ते आए ऑब्ट्यूस, जैसे कि 90 डिग्री से मोर देन, इट मींस 100, 110, 120, 150, दिस इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल, ओनली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। राइट, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। जो 180 का एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। एंड लास्ट, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज कॉल्ड अ 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। यू नो, 90 डिग्री इट मींस इसका थोड़ा यू होगा, 90 मोर देन इट मींस यू होगा एंगल। ये मैंने आपको छोटे छोटे मेंशन किया है, 90 डिग्री दिस इज, एंड स्ट्रेट एंगल दिस, ओनली स्ट्रेट होता है। कभी टीवी में देखिएगा, स्ट्रेट होता है 180, रिफ्लेक्स ये उल्टा हो जाता है यू, दिस इज कॉल्ड अ एंगल। एंड लाइन्स मैंने आपको बताया था, प्लेन पर कोई लाइन ड्रॉ होती है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन। एंड अब इस चैप्टर में, लाइन्स एंड एंगल्स में, अब इसके आगे का जो डिफाइन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये रफ कर रही हूं, इसमें है एक तो फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब टू एंगल्स को ऐड करके जो नंबर होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री जो है वो 180 डिग्री पर बेस्ड होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो 90 डिग्री पर बेस्ड होता है। तो जब टू नंबर्स को ऐड करके, मैं सप्लीमेंट्री का एग्जांपल बता रही हूं, ये सप्लीमेंट्री का एग्जांपल है। जब टू एंगल्स को हम ऐड करेंगे एंड इक्वल्स टू में 180 आता है, दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। एंड इसका एग्जाम्पल देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का, जब हम टू एंगल्स को ऐड करते हैं इक्वल में, जब 90 डिग्री आता है, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट, और यही इसका फॉर्मूला समझ लीजिए या एग्जांपल समझ लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री। एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90, दिस इज कॉल्ड अ, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, दिस इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री। एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट, क्लियर? अब आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर वाले एंगल्स कैसे होते हैं, मैं रफ कर रही हूं। लीनियर पेयर वाले जो एंगल्स होते हैं, लाइक दैट, दिस ए बी, और ये मिड पॉइंट को ओ नाम दे दिया है, जो यहां से एक इंटरसेक्ट करता हुआ एंगल आया है, और जो यहां पर ये अपना एंगल शो कर रहा है, एंड लास्ट सी।
तो ये कौन सा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब इसके डिस्क्राइब क्या है, इसको हमें बताना है कि इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कौन कौन से हमारे एंगल्स बन रहे हैं। तो आप ये देखिए, एंगल एओसी, एंगल एओसी कॉमा एंगल बीओसी, एंगल एंगल का ये साइन होता है बीओसी, ठीक है। तो ये जो आते हैं हमारे, ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड आ, कॉल्ड आ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, क्लियर। अब आता है एक, ये तो आपका हो गया इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आता है एक एडजेसेंट एंगल्स, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। लीनियर पेयर में तो एओसी एंड सीओबी या बीओसी, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है ए बी सी एंड दिस ओरिजिन ओ, मतलब ओरिजिन ओ, ठीक है। अब इस एंगल में बताना है कि कौन सा एडजेसेंट है। जो मैंने एडजेसेंट का मतलब बताया था, जो कंटिन्यूअस चलते हुए आते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट। जैसे एंगल एओबी, तो मैं यहां मेंशन कर रही हूं एंगल एओबी, देखो यहां लिख देती हूं, यहां पर लिख दिया है एंगल एओबी, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, एओबी और आपका एओसी जो इसी से रिलेटेड है, एंगल एओसी। और कौन सा है आपका, बीओसी, एंगल बीओसी, दिस इज कॉल्ड अ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ओए, ओबी एंड ओसी जो ये मैंने मेंशन किए हुए हैं, यानी कि OA, ये देखिए OA, OB एंड OC, इट्स कॉल्ड अ आर्म्स, इट्स कॉल्ड अ आर्म्स, ये एंगल्स के आर्म्स हैं, ठीक है। इसमें ये शो किया हुआ है। अब सेकंड आता है रे, रे का क्या है, मैं ये रख कर रही हूं। नेक्स्ट आता है रे, रे पर क्या है, जैसे कि एक एंगल है like that this and this, ये mention किया हुआ है and this is its name is A O and B and this C, ठीक है, B C O, ठीक है। ये origin O मतलब origin। तो अब ये क्या है, क्या बना रहा है ये, इसमें क्या बोलेंगे हम, ये देखो ये straight angle 180 degree angle, तो हम कैसे लिखेंगे, angle A O C, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट एंगल दिस। एंड ओसी स्टैंड फॉर, ये रे का साइन होता है, ओसी के ऊपर स्टैंड लगा दिया, ओसी स्टैंड फॉर एबी, ठीक है, क्योंकि एबी पर भी है, एबी पर ये देखो ये टू एरो लगे हुए हैं एंड दिस वन एरो, तो ओसी इसको हम कैसे बोलेंगे, ओसी स्टैंड इक्वल टू एबी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री, और एडजेसेंट मैंने आपको समझा दिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, जो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, अब इसको हम कैसे आंसर को मेंशन मतलब निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं रफ कर रही हूँ, अब आप ये देखिए, जैसे फर्स्ट है एग्जांपल वन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया था क्या, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स किसका होता है, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। एंगल ए मुझे नहीं पता क्या है, तो इसको चाहे आप एक्स लाइट कर सकते हो या फिर एंगल ए यू ही क्यू लिख सकते हो, प्लस एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल्स टू 90। तो एंगल ए इक्वल्स टू 90, ये प्लस में इधर आ गया माइनस 60 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड अ 30 डिग्री आंसर, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट कभी आता है तो उसमें 90 शो करते हैं, करेक्ट।
अब हम बताते हैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट में क्या होता है, मैं ये रफ कर रही हूं, सप्लीमेंट्री जैसे एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए 125 डिग्री, तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे जो मैंने बताया था, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मुझे नहीं पता, चाहे तो आप एंगल ए में पुट भी कर सकते हो, जैसे 125 प्लस एंगल बी नहीं पता इक्वल टू 180, तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 125, माइनस कर दो जीरो में से 180 में से हम 125 माइनस करेंगे, यहाँ आ गया 10, यहाँ रह गया 7, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 एंड 55, तो 55 डिग्री एंगल बी। कब आया ये हमारा आंसर, जब हमें पता था सप्लीमेंट्री, हमने 180 इक्वल टू में लिखा है क्योंकि पता होना चाहिए, और मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया कि कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑल क्वेश्चन आर बेस्ट इन दिस मेथड, ठीक है, और इसी पर सारी एक्सरसाइज है, और बाकी मैंने आपको पीडीएफ आ जाएगी, उसी में सारे क्वेश्चन है, और कोई डाउट है तो आप उसको मेरे से जूम पर पूछ सकते हो, बाकी इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।